पर 80% लोग गंदे रहते हैं। जवानी आती भूल जाती सबको, और जब जवानी आती है तो सब भूल गए, सब भूल गए, कोई याद नहीं है। कौन कौन याद है? जवानी आई तो कौन याद है? एक लड़की कहती है मैं तुम्हारे लिए सारा जग छोड़ दूंगी, तो तू कहां जाएगी? फिर समुद्र में मरेगी जाके, जग छोड़ देगी। अच्छा, ऐसा क्या है इसके पास? हाँ? इससे ज्यादा चौड़ी छाती का, इससे ज्यादा चौड़े बाहों का, इससे ज्यादा अच्छे बालों वाला, अच्छी आंखों वाला, और इससे भी ज्यादा 4 साल उम्र वाला तेरे घर में तेरा भाई है, उसके लिए तूने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और इस निकम्मे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। क्या है भाई इसके पास? ऐसा क्या है जो जग छोड़ दूंगी, घर छोड़ दूंगी, मैं किसी से नहीं डरूंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी? क्या क्या कर लेगी तू बता दे। हाथी के नीचे आ जा, हाथी से पैर रखवा ले। हेलो, कहाँ है? इधर है, मैं उधर हूँ, रोड पे, रोड पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्यों भाई रोड पे क्यों बुला रहा? क्या बात है? रोड पे इसलिए बुला रहा क्योंकि उसने बातों बातों में दुनिया भर के संकल्प कर लिए, वचन दे दिए उसको, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है जग में, अब तुम ही हो बस मेरे अकेले, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं। अच्छा, ऐसी क्या खूबी देख ली तूने? रामायण करता है ये, कथा सुनाता रामायण के, भागवत आचार्य है ये, ऋषि मुनि है, कौन है ये? कौन है? का इंजीनियर के सेकेंड ईयर में पढ़ता है, बस होमगार्ड की औलाद, इतने में ही सब छोड़ दिया इसके लिए। चलो भाग चले पूरब की, चलो भाग चले पूरब की। क्या करेगा वहां जाके? वहां सूर्य जला देगा, मरेगा उधर पूरब की ओर, आग लग जाएगी सूर्य के पास पहुंचेगा तो। क्यों? बड़ा दुख हो रहा है मुझे, अंदर से रोना आ रहा है, क्या करूं? रो के बताओ। देख मेरे संसार की हालत और क्या हो गई भगवान, ये कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना सूरज न बदला चंदा न बदला और ना बदला धरती आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना मरे हुए वचन अपने पिता के पूरा करने के लिए, मरे हुए पिता के वचन पूरा करने के लिए राम 14 साल वनवास चले गए, और ये जिंदा माता पिता के वचन नहीं पालता। ये कितना बदल गया इंसान। अच्छा भाई बहनों एक बात बताओ, ये गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट इतने अच्छे हैं तो ये राम जी ने क्यों नहीं खाए, क्यों नहीं पिए? राम जी कम बुद्धि वाले थे कि तुम ज्यादा बुद्धि वाले हो? हाँ? लक्ष्मण ने क्यों नहीं बीड़ी पी? भरत ने गुटखा क्यों नहीं खाया? इनको अकल नहीं थी? तुमको बड़ी अकल है क्योंकि तुम महान हो। ये कितना बदल, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। कौन बोल रहा है ये जय? तमाकू खाने वालों हैं? गर्व से कहो हम
गर्व से कहो हम हो रे हिंदू 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 हिंदू, गर्व से कहो हम अंडा छाप हैं, गर्व से कहो हम मांस छाप हैं। अंडों की आमलेट खाता है शाम को और बोलता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जान दे देंगे अपनी, सिर कटवा देंगे, पर अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे। अयोध्या में मंदिर तो कब का बन गया होता, जान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर भगवान का है, उसे कोई रोक नहीं सकता। पर जब तक तुम अंडा तमाकू मांस नहीं छोड़ोगे, मंदिर का नंबर आने वाला नहीं है। राम तुम्हारे साथ रहेगा तब तो मंदिर बनेगा। हाँ, मांसाहारियों के साथ राम नहीं रहता, अंडा खाने वालों तमाकू खाने वाले के साथ राम नहीं रहता है। पहले खुद तो राम के भक्त बनो। राम का मंदिर बनवा रहे हैं, 3 कोटि का, 3 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, पत्थर पूरा जयपुर से आ रहा है। 4 साल हो गए मंदिर को बनते बनते, मंदिर बन गया, 50 लाख रुपए खर्चा हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा में भंडारे हो रहे हैं, कथा हो रही है, सत्संग हो रहे हैं, और जो यजमान है कथा करने वाले, सत्संग करने वाले, पैसा देने वाले, मंदिर में चंदा देने वाले, कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है। राम परेशान हो गया मंदिर में आके, अरे रे 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 रे, मांसाहारियों का पैसा मेरे मंदिर में लग गया, अरे मैं बर्बाद हो गया। यदश्चितम तद मानवानम, इस दुनिया का पहला मनुष्य क्या कहता वो सुना रहा हूं। दुनिया का पहला मनुष्य कौन है, इस दुनिया का पहला मनुष्य कौन है? हर शब्द में सवाल है तुम्हारे लिए, तुम पढ़े लिखे हो किधर से मुझे नहीं पता। दुनिया का पहला मनुष्य कौन है? दुनिया का पहला मनुष्य ब्रह्मा का बड़ा बेटा है, और ब्रह्मा के बड़े बेटा का नाम है मनु महाराज, जिसने मनुस्मृति लिखी है। मनुस्मृति, उसने कहा तदम मनुर्भव, हे प्राणी तू राजा मत बन, तू देवता मत बन, महाराज मत बन, साधु मत बन, संत मत बन, कुछ भी मत बन, बाप नहीं बनेगा चलेगा, पति नहीं बनेगा चलेगा, भाई नहीं बनेगा चलेगा, पर तू मनुष्य बन, मनुष्य बन, मनुष्य बन, मनुष्य बन, मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। ये क्या है? ये पागलपन है, पागलपन। भागवत की आरती कर रहे हैं और पागलपन छोड़ा नहीं है। मैंने कहा इसको क्या मधुमक्खी काट गई, होट कैसे आधा बड़ा हो रहा है तेरा भाई, आधा होट कैसे बड़ा हो रहा, आधा होट इधर से मोटा दिख रहा है, इधर से बाद में पता चला मुझको कि ये बड़ा होट क्यों हो रहा है। क्यों बड़ा हो गया वो बड़ा होट? याद रखिए, ये बातें मैं आपके हंसी और खुशी के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बातें मैं आपको सिद्धांतपूर्ण भागवतपूर्ण सुनाना चाहता हूं, और ये खाली आनंद दे रही है, हंसी दे रही है, खुशी दे रही है आपको, पर ये सारी भागवत की बातें हैं। प्रवचन उपदेश सब प्रमाणिक है, वेद से, शास्त्र से, उपनिषद से लेकर मेरी भाषा में आपको सुना रहा हूं, सरल कर करके। जैसे एक छोटा सा रबर का टुकड़ा, एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा, तांबे के तार के ऊपर कंपनी लगाकर भेजती है, और उसमें तांबे का तार डाल करके ऊपर से रबर लगाकर प्लास्टिक लगाकर भेज देती है। आप उस वायर को अपने घर में अंडरग्राउंड कर देते हैं और उसमें करंट छोड़ देते हैं, पूरे घर में करंट दौड़ता है पर दीवार में करंट नहीं आता। कारण? कारण? कारण यह है कि वो छोटा सा कागज जैसा टुकड़ा प्लास्टिक का उसके ऊपर लगा हुआ है, इसलिए तार में करंट है, पर वो आपको नहीं मारेगा, आपको नहीं पकड़ेगा, आपको नहीं दिखाएगा कि मैं बिजली हूं। ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवान की दया चारों जगत में, चारों तरफ कण कण में, अणु अणु में फैल रही है, पर इन बुराइयों के प्लास्टिक के टुकड़े तुम्हारे जो लगा लिए हैं, इसलिए तुम्हें भगवान की कृपा नहीं टच कर रही है, नहीं छू पा रही है। छोड़ो छोड़ो बुराइयां, छोड़ो तमकू छोड़ दो,
अंडा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, छल छोड़ दो, माँ बाबा को धोखा मत दो, माता पिता को धोखा मत दो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। करंट दौड़ेगा, एनर्जी दौड़ेगी, पुण्य दौड़ेगा, सदाचार दौड़ेगा।